हाथ में ड्रिप के साथ एम्बुलेंस से कलेक्ट्रेट पहुंच गई शिक्षिका। नमस्कार, मैं अंजना, स्वागत है आपका द खबरदार न्यूज पे। तो आइए चलते हैं आज की मुख्य खबर पर। रीवा में हादसे में घायल एक शिक्षिका को अधिकारियों ने चुनावी ड्यूटी से मुक्त नहीं किया तो वह एम्बुलेंस से कलेक्ट्रेट पहुंच गई। शिक्षिका के हाथ में ड्रिप लगी थी। शारीरिक रूप से अशक्त दिख रही महिला की चुनाव प्रशिक्षण में ड्यूटी लगाई गई थी, जिसके चलते वह प्रयागराज से सीधे एम्बुलेंस से पहले प्रशिक्षण स्थल मॉडल साइंस कॉलेज पहुंची। वहां पर किसी जिम्मेदार अधिकारी से मुलाकात नहीं होने से कलेक्टर कार्यालय पहुंच गई। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती आज सतना पहुंची। वहां बीटीआई मैदान में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आपकी पार्टी मध्य प्रदेश के चुनाव में पूरी ताकत, तैयारी और दमदारी से लड़ रही है। हमारा किसी से कोई समझौता नहीं है। कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी विधानसभा चुनाव को लेकर पहली बार महाकौशल आ रहे हैं। गुरुवार 9 नवंबर को कांग्रेस नेता राहुल गांधी जबलपुर आ रहे हैं। यहां स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होने के बाद राहुल गांधी रात्रि विश्राम जबलपुर में करेंगे और फिर शुक्रवार की सुबह सतना के लिए रवाना होंगे। डेंगू से बचाव के लिए जबलपुर संभाग के 8 जिलों के लिए वियतनाम से मच्छरदानी आई है। जल्द ही ये सभी मच्छरदानी जबलपुर संभाग के सभी जिलों में बांटी जाएगी। जबलपुर संभाग के लिए 14 लाख से अधिक मच्छरदानी आ चुकी हैं। हालांकि ये मच्छरदानी विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद ही बांटी जाएंगी। ग्वालियर जिले में विधानसभा आम चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस और प्रशासन द्वारा बतौर अभियान चलाकर अवैध धनराशि, शराब व अन्य मादक पदार्थों की जब्ती जारी है। अब तक जिले के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में कुल मिलाकर लगभग 3.25 करोड़ रुपए की धनराशि जब्त की जा चुकी है। साथ ही लगभग 85 लाख रुपए मूल्य की 94,588 लीटर से अधिक अवैध शराब जब्त की गई है। इंदौर एक में प्रियंका गांधी के रोड शो में स्वागत मंच टूट गया, जिसे देखकर प्रियंका गांधी गाड़ी से उतरी और लोगों का हालचाल जाना। इसके बाद वे फिर से रोड शो में जुट गईं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी इंदौर एक के कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला के समर्थन में प्रचार कर रही हैं। सीधी जिले में मानवता को शर्मसार करने वाला वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक परिवार को शव वाहन न मिलने की वजह से बल्ली के सहारे मृतका के शरीर को ले जाना पड़ा। यह घटना सीधी जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर की दूरी सेमरिया अस्पताल की बताई जा रही है, जहां कहने को स्वास्थ्य व्यवस्थाएं काफी अच्छी है। यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी बना हुआ है। उसके बावजूद एक 18 वर्षीय युवती की मौत के बाद उसके शव को ले जाने के लिए परिजनों को शव वाहन तक नहीं मिला। विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश में बड़ी बड़ी सभाएं हो रही हैं, लेकिन प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा इन सबसे दूर जिलों और विधानसभा स्तर पर जाकर बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित कर रहे हैं। इनमें एक ही संदेश है कि बूथ पर चुनाव लड़िए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनसंख्या नियंत्रण पर दिए बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस के जो नेता सरकार को उखाड़ने के लिए भांति भांति के खेल खेल रहे हैं, वो विधानसभा में माता बहनों की मौजूदगी में ऐसी भाषा में भद्दी बातें कर रहे हैं, कोई शर्म नहीं है इन्हें। ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ ग्वालियर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार और केंद्र की मोदी सरकार के वादों को झूठ का पुलिंदा बताते हुए कहा कि अब हमें संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए बीजेपी को उखाड़ फेंकना है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहें द खबरदार न्यूज़ पर।